गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं, उसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। ये आपके लिए तो तब बहुत ही फायदा हो जाता है जब कोई लावारिस गाड़ी खड़ी होती है, या कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, या आप कोई भी पुराना गाड़ी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से बहुत ही आसानी से उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जिससे हम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से और ड्राइविंग लाइसेंस से उसका डिटेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको एम परिवहन आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से कर रखा हूं तो यहां पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। ये रोडवे और ट्रांसपोर्ट का ये अपना एप्लीकेशन है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा और कितना ये बढ़िया ये एप्लीकेशन होगा। यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो डाउनलोडिंग है 10 मिलियन प्लस में है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेस्ट ये एप्लीकेशन है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, आपको भी डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। इसको कुछ ऐड आएगा, इसको हटा देना है। यहाँ पर परमिशन के अलाव करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। पहले हम बात कर लेंगे कि आरसी जो है मोटरसाइकिल का जो नंबर होता है उससे हम चेक करेंगे। तो सिंपली यहाँ आरसी वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिल का नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल का नंबर डाल देता हूँ, तो इस तरीके से आपका जो भी गाड़ी है उसका गाड़ी का नंबर डाल देना, या मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर जो भी नंबर है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। इससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी गाड़ी जो भी नंबर को दे रहा है, कोई पर्सन आपको नंबर दे रहा है, वो टू व्हीलर का है या फोर व्हीलर का है। तो इससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास, वो नंबर मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ, तो आपके पास जो भी नंबर होगा वो नंबर को यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना। जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर को टाइपिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर डाल दिया। यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे देखिए यस करते ही पहले आपको यहाँ साइन इन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से गाड़ी का नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे देखिएगा ये जो ऑप्शन है वो पूरा यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गाड़ी का नंबर डाल के आप उस ओनर का नाम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी जो पर्सन है, मैं यहाँ पर नंबर डाल रखा हूँ, यहाँ ये नंबर ऊपर में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्टी, और यहाँ पर ओनर का नेम आ गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आ गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है आरसी स्टेटस यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे जो है इसका जो गाड़ी का एज है 12 साल और 9 मंथ अभी बाकी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि LMV है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल है, मतलब चार चक्का है। तो इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फिटनेस वैलिड यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस हुआ है या नहीं वो भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ देख रहे हैं टैक्स वैलिड है या नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ टाइम टैक्स है। इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारा इसका ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करके और भी सारा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़िया मिल जाता है वैलिड चलान का, तो वैलिड चलान पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इसका चलान है या नहीं तो वो आप ही यहाँ से इसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी इसका वैलिड जो आरसी है वो यहाँ पे वेरीफाइड है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे एड टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वर्चुअल आरसी को इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए मैं दूसरा एक गाड़ी का और डाल के देख लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक दूसरे गाड़ी का डाल के देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी जो भी गाड़ी का चेक करना है मैं यहाँ पर आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ एक गाड़ी का, और तो आपको इसी तरीके से गाड़ी का नंबर डाल देना है। जो भी गाड़ी का नंबर आपके पास हो, आप जानना चाहते हैं कि कौन इसका मालिक है, तो उसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, इस तरीके से सर्च वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। ओके करते ही यहाँ पे देखिए कि जो भी एक गाड़ी का मालिक है उसका नाम यहाँ पे ओनर का नाम आ चुका है ऊपर में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूल टाइप डीजल, यहाँ पे व्हीकल जो एज है 9 साल और 5 मंथ बचा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसका सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर चलान पर क्लिक करके इसका चलान भी देख सकते हैं कि चलान है या नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी गाड़ी का नंबर डाल के आप उसका मालिक का नाम जान सकते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं RTO कहाँ से लिया गया है, वह देख रहे हैं कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से RTO ऑफिस है, तो वो यहाँ से लिया गया है। गाड़ी का कितना एज है वो सारे के सारे
आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अब कि आप जो गाड़ी का नंबर देके कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपको दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लेंगे डीएल, और या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इसमें डाल देना। जैसे मेरे पास है एक, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई दिया हुआ है वो बोल रहा है आपको चेक कर देने के लिए, तो आप भी इसी तरीके से चेक कर दीजिएगा जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए उसका जो नाम ओनर का नाम यहाँ पे आ चुका है, लाइसेंस अथॉरिटी यहाँ पे आ चुका है, व्हीकल क्लास यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल है और मोटरसाइकिल विथ गियर है, मोटरसाइकिल विथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये फोर व्हीलर टू व्हीलर सब के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर इशू डेट देख रहे हैं कि यहाँ पर जून 16/2006 को हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं लाइसेंस वैलिडिटी यहाँ 15 जनवरी का है। यहाँ पे लाइसेंस अथॉरिटी यहाँ पे आरटीओ ऑफिस अहमदाबाद है। इस तरीके से यहाँ पे आपका कोई भी गाड़ी का नंबर यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से व्यू चलान पे क्लिक करके इसका चलान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे उसका जो चलान है वो आपको ओपन होकर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ चलान यहाँ पर नहीं है तो नहीं आ रहा है, तो अगर होगा तो उसका चलान यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी पर्सन का जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे जो है गाड़ी का नंबर है फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी नंबर है उसका नंबर डाल के बहुत ही आसानी से उस ओनर का नाम जान सकते हैं, वो कहाँ से लिया है वो भी जान सकते हैं, कहाँ आरटीओ ऑफिस है, इसके बाद यहाँ पर चलान हमारा है या नहीं या डीजल फ्यूल है क्या है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको नीचे रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे के सारे है जो यहाँ पर आपको आ जाता है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि इसका जो है क्या एज बचा हुआ है, पेट्रोल है या डीजल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट मोटर व्हीकल है मतलब ये मोटरसाइकिल के लिए है, मोटर कार चार चक्का के लिए, लाइट मोटर व्हीकल तो यहाँ पे मोटरसाइकिल के चार चक्का के लिए है, तो यहाँ मोटर कार भी दिख रखा है। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं पुणे महाराष्ट्र है अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इस तरीके से जो भी आप देखना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप इसमें जो भी गाड़ी का नंबर है वो डाल के बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, उसका एज क्या बचा हुआ है और वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से कोई भी गाड़ी का नंबर डाल के उससे बहुत ही आसानी से उस गाड़ी का पता लगाया जा सकता है कि उसका मालिक कौन है। ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा भी आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं ये गाड़ी का मालिक कौन है। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से हम किस तरीके से उसका डिटेल्स निकालेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।